तो गाइस, मैं सिर्फ सावन राठौर फ्रॉम कोटा। हमने एक्सरसाइज 10 कंप्लीट कर ली थी, आज हम 12th की बात करते हैं। तो देखना, 12 पॉइंट जो एक्सरसाइज है हमारी व्रतों में संबंधित क्षेत्रफल है, इसको 10th के बाद इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने अभी तक 10th में व्रत को पढ़ा था, जो साइकिल को पढ़ा था, तो उससे ये रिलेटेड है। तो इससे क्या होगा, हमें ये एक्सरसाइज इजीली समझ में आ जाएगी। 10.1 में जो मैंने आपको बताया था, परिधि, व्यास, त्रिज्याएं, ये क्या होती है, इनके क्षेत्रफल क्या होते हैं, व्रत की परिधि क्या होती है, वो हमारे यहाँ पर काम में आने वाली है। आज थोड़ी तबीयत लूज़ होने की वजह से थोड़ी आवाज़ ऐसी आएगी। तो देखना देखना क्वेश्चन नंबर वन जो हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर वन वैसे आपको इजीली समझ में आएगा, काफ़ी इजी एक्सरसाइज है। तो देखना क्वेश्चन नंबर वन जो दिया हुआ है, दो व्रतों की त्रिज्या क्रमशः, इसमें क्या कंपैरिजन करना है, जैसे क्वेश्चन कहता जाए हम वैसे करते जाएंगे, ठीक है। तो देखना क्वेश्चन में दिया हुआ है, दो व्रतों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उन व्रतों की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों व्रतों की परिधियों के योग के बराबर। दोनों व्रतों की परिधि, तो दो व्रत है उससे एक नया व्रत बन रहा है, इसका मतलब एक व्रत ये है प्लस में एक और व्रत है, इनकी परिधि क्या होती है, इसका बाहर का आवरण परिधि यही होती है इसकी, और इसकी परिधि मतलब इसके बाहर का आवरण, ये दोनों की परिधियों के योग के बराबर दूसरे की नेक्स्ट की तीसरा जो बनेगा उसकी परिधि होगी, राइट। यदि मैं इसको कहूँ, ये देखना, ये R1 त्रिज्या का है, ये R2 त्रिज्या का है, कैपिटल R त्रिज्या का है, राइट। तो इसकी परिधि के बराबर है, परिधि के बराबर है, तो इसकी त्रिज्या पूछिए हमसे तो इजीली निकाल सकते हैं। इसकी त्रिज्या में दी हुई 19 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या, इसका R1 की वैल्यू हमें इसका मतलब ये दे रखी है, और R2 की वैल्यू हमें दे रखी है 9 सेंटीमीटर, राइट। 9 सेंटीमीटर हमें किसकी त्रिज्या निकालनी है, आर की निकालनी है, तो निकाल सकते हैं। प्रश्नानुसार देखना, प्रश्नानुसार काफ़ी इजी एक्सरसाइज है हमारी ये, देखना प्रश्नानुसार आप देखना, इन दोनों से मिलकर बन रहे, तो इन दोनों की क्या परिधि का योग आपस में एक पल किसका बन रहा है, नेक्स्ट का। तो देखना, तो परिधि व्रत प्रथम की परिधि प्लस व्रत, मतलब छोटे व्रत है ना दोनों, तो यहाँ यूँ भी लिख देंगे हम छोटे व्रत, व्रत द्वितीय की परिधि बराबर बड़े व्रत की परिधि। देखना ये हमारे क्या है, छोटे व्रत, यहाँ पर हम छोटे व्रत भी लिख सकते हैं, छोटे व्रत, ठीक है, ये हमारे छोटे व्रत है। तो इनकी परिधि क्या होती है, व्रत की परिधि होती है 2πr, कितनी होती है, यहाँ पे लिख देते हैं हम, चूंकि व्रत की परिधि हमारी कितनी होती है 2πr। देखना आर वन त्रिज्या के लिए क्या हो जाएगा, 2πr1 प्लस के 2πr2 इज इक्वल टू 2π कैपिटल R, ठीक है। वहाँ की रेडियस ये है, हमारी त्रिज्या ये है, भाई त्रिज्या को हम इंग्लिश में रेडियस कहते हैं, तो उसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखना यहाँ से क्या को मना रहा है, 2π को मना रहा है, तो क्या बच जाएगा, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2πr। देखना 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा हमारा पार्ट, क्या बच जाएगा, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू कैपिटल R। R1 की वैल्यू 19 है प्लस इसकी 9 है इज इक्वल टू R, तो हमारी इसकी कितनी जाएगी 20, भाई ये हमारी R की 9 है ना, तो इसको जब ऐड कर देंगे कितनी हो जाएगी 28, मतलब R की त्रिज्या कितनी होगी कैपिटल 28 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या कितनी होगी 28 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर था। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं इसका, इसको इरेज कर देते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, राइट। जैसा ही कर रहे हैं वैसे ही आपको समझते समझते नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, काफ़ी इजी क्वेश्चन, ठीक है। इसको इंट्रोडक्शन, इसका जो इंट्रोडक्शन है मैंने इसलिए नहीं करवाया क्योंकि हमने 10.1 में इसके इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, तो जिन भी बच्चों को ये एक्सरसाइज में थोड़ी दिक्कत हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में 10.1 का इंट्रोडक्शन डाल दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो व्रतों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, उस व्रत की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों व्रतों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। देखना दो व्रतों की त्रिज्याएं ये है, उनकी त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का योग है। इसमें परिधि का योग था, इनमें क्या है क्षेत्रफल का योग, तो देखना वही क्वेश्चन है, बस यहाँ क्या कर दिया हमने, इसमें क्या कर दिया क्षेत्रफल पूछा है, इसका क्षेत्रफल व्रत, व्रत का क्षेत्रफल इसका, फिर इसका दो क्षेत्रफल मिलाए इन दोनों का, फिर नेक्स्ट का क्षेत्रफल बना व्रत का क्षेत्रफल,
अब देखना ये कैसे हैं, छोटे व्रत हैं, छोटे अभी क्या बना बड़ा व्रत। तो देखना इसकी त्रिज्या वही होगी हमारे, हम क्या मान लेंगे R1, R2 और इसकी कैपिटल R, ठीक है। दोनों व्रत की त्रिज्या हमें दी हुई है 8 और 6, तो इसकी क्या देता R1 की वैल्यू 8, R2 की वैल्यू 6, किसी भी एक को लिख सकते हैं। दोनों का क्षेत्रफल दिया हुआ है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या जाएगा, छोटे व्रतों का क्षेत्रफल का योग बराबर क्या हो जाएगा, बड़े व्रत का क्षेत्रफल। क्या होता है व्रत का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। तो छोटे दोनों का ऐड कर देते हैं, पाई आर वन का स्क्वायर प्लस पाई आर टू का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर, राइट। अब देखना पाई कॉमन आ रहा है हमारे यहाँ पार्ट में, तो पाई कॉमन ले लेंगे, आर वन का स्क्वायर प्लस के आर टू का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, आर वन का स्क्वायर प्लस के आर टू का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। देखना आर वन और आर टू की वैल्यू रख देते हैं, 8 का स्क्वायर प्लस के 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 64 प्लस के 36 बराबर आर स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 होता है मतलब 64 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है मतलब कितना होता है 36, ठीक है। तो देखना 36 मतलब 36, देखना वहां से इसको ऐड करेंगे 100 हो जाएगा आर स्क्वायर। स्क्वायर हटता है रूट लगेगा, देखना रूट लगेगा साथ में प्लस माइनस भी लगेगा, लेकिन प्लस माइनस नहीं लगा रहा हूँ, प्लस लगा रहा हूँ क्योंकि हमें क्या त्रिज्या पूछी, तो त्रिज्या कभी भी डिस्टेंस किसमें नहीं हो सकती, माइनस में नहीं हो सकती, तो हम डायरेक्टली लगा रहे हैं रूट 100 इज इक्वल टू आर। 100 का रूट कितना होता है, वर्गमूल कितना होता है 10, तो आर का मान हमें कितना मिलेगा 10 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर होगा। काफी इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना क्वेश्चन नंबर 3 भी हम कर लेंगे काफी इजी वे में। क्वेश्चन नंबर भैया क्वेश्चन नंबर 2 था, हमने रोमन अंक वो काउंटिंग डालना देख लिया, देख लेना आप एक बार। आकृति 12.3 एक तीरदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, ठीक है, तीरबाजी करते हैं ना वहां पर इस लक्ष्य को दर्शाती है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक और व्हाइट चिन्ह हैं, जिनमें से अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास हमें दिया हुआ 21 सेंटीमीटर तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले इन 5ों क्षेत्रफल में से प्रत्येक का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो काफी इजीली निकाल सकते हैं। देखना कितने कलर है, 1 ये 2, कितने सर्कल है 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 ये 4 और ये 5। फर्स्ट वाल जो लास्ट में है वो क्या है, हम यहां लिखते हुए चलते हैं, लास्ट में व्हाइट, उसके बाद में है ब्लैक, फिर उसके बाद में ब्लू, अंदर की तरफ ले रहे हैं अपन रेड, और नेक्स्ट में गोल्ड, ठीक है। देखना हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 था, इसमें गिवन है रेड की, रेड का व्यास हमें दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, राइट। रेड का व्यास कितना दे रखा है हमें, सॉरी रेड का नहीं, किसका दे रखा है, गोल्ड का, हमें गोल्ड का व्यास कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। तो देखना 21 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या बराबर 21/2 सेंटीमीटर किसकी, यदि मैं इसकी त्रिज्या R1 मानता हूं, R1, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो R1 इज इक्वल टू 10.25 बार जाएगा, 21 का आधा हो जाएगा 10.5 यानी 10.5, राइट। इजीली हम भाग देके कर लेंगे, 10 बार तो पूरी बार जाएगा, पॉइंट लगाओगे 0 लगाएंगे तो 10 में कितनी बार जाएगा 5 बार, तो 10.5। और हमें ये दिया हुआ है जो ये पट्टी है ना, इसकी जो चौड़ाई है भाई यहाँ से यहाँ तक का 21 सेंटीमीटर दिया था, इसकी चौड़ाई 10.5 है, फिर इधर भी 10.5 है, फिर 10.5 है, मतलब इंक्रीज होती जा रही है 10.5 फिर 10.5, ठीक है। तो हम देखना पर पट्टी की चौड़ाई हुए, तो R2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, R2 क्या है हमारे पास में, यहाँ से यहाँ तक R1 है ये, तो यहाँ से यहाँ तक ये R2, फिर यहाँ से यहाँ तक R3, फिर यहाँ से यहाँ तक R4, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा R5,
इजीली निकाल सकते हैं। तो देखना आर टू आर वन प्लस के 10.5, आर वन 10.5 प्लस 10.5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 21। आर थ्री इज इक्वल टू आर टू प्लस 10.5, 21 प्लस 10.5 इज इक्वल टू 31.5। आर फोर इज इक्वल टू 31.5 प्लस के 10.5 कितना हो जाएगा 10, 42 डायरेक्ट 42.0। आर फाइव कितने तक, आर फाइव तक ही है तो 4.0 प्लस के 10.5 52.5। हमें लास्ट की त्रिज्या मिल जाएगी। अब हमें पर्टिकुलर सबका क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले आर वन रेड वाले का निकाल लेते हैं, सबका क्षेत्रफल निकालना है, देखना पर्टिकुलर का। तो पहले किसका है, गोल्ड है, तो गोल्ड का क्षेत्रफल व्रत, भाई गोल्ड जो व्रत होगा ना उसका क्षेत्रफल, तो देखना इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है व्रत का, पाई आर स्क्वायर, आर वन है यहाँ पर तो पाई 22/7, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं दिया हुआ है क्या वैल्यू, नहीं दी हुई तो 22/7 रखना है, 22/7। आर वन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10.5 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं 10.5 × 10.5 लिख सकते हैं। पॉइंट डेटा यहाँ पर कितने लग जाएंगे, दो जीरो, सेवन से कितनी बार कट गया, वन टाइम और फाइव टाइम 15 टाइम, फिर फाइव से ये थ्री टाइम, फाइव से ये 20 टाइम, फिर इरेज हो रहा है क्या 10 टाइम 11 टाइम, इसको थ्री से इलेवन को थ्री से करते हैं 33 मल्टीप्लाई बाय 105 डिवाइड बाय 10, मल्टीप्लाई कर देते हैं 105 को 33 से 15 5 1 1 3 5 1 3, तो 5 6 4 3 3 4 6.5 आ जाएगा। 10 से डिवाइड करेंगे कितना है, 1 पॉइंट पर डिजिट आ जाएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्षेत्रफल है। फर्स्ट का निकाल लिया, सेकंड का निकालते हैं, सेकंड कौन सा कलर है हमारा, रेड कलर, तो रेड व्रत का क्षेत्रफल पाई। अब देखना रेड व्रत का निकालेंगे, तो यहां से यहां तक की रेडियस आ रही है ना, तो क्या कर सकता हूं मैं, पाई आर स्क्वायर माइनस के पाई, इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, पाई आर वन का स्क्वायर, क्योंकि इस वाले पूरे का क्षेत्रफल निकलेगा, इसको हटा दूंगा तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा ना हमारे पास में। तो देखना ये समझने वाली बात है, पाई कॉमन लेना है, आर टू का स्क्वायर, आर टू का मान कितना है हमारे पास में 21 का स्क्वायर माइनस के 10.5 का स्क्वायर, देखना 22/7 21 का कितना होता है 441 माइनस के कितनी बार लिख देते हैं इसको 10.5 मल्टीप्लाई बाय 10.5, देखना इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, इसको मैं उधर लिख रहा हूँ 441। अब देखना हमें किसका, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, मतलब मैं पॉइंट अभी पॉइंट बाद में लगा दूंगा टू डिजिट पर, उससे पहले मैं इसका इसका स्क्वायर पॉइंट कब लगा देंगे, दो अंक पर लगा देंगे 105, 5 6 25 के 5 5 मल्टीप्लाई बाय 000 मल्टीप्लाई बाय 501, तो 52011 कितना आ जाएगा 25। पॉइंट टू डिजिट पर लग जाएगा, क्योंकि क्या है वन पॉइंट पॉइंट है, ठीक है, तो टू डिजिट पे हमने पॉइंट लगा दिया। अब देखना इसमें से माइनस कर लेते हैं 22/7 441.00 जो भी है 110.25, 10 में से 5 किया 5 7 पॉइंट, यहाँ पे क्या 0 में से 0 किया 0 3 3 कितना बच जाएगा 330.75, पॉइंट हटाओ 0 लगाओ, क्या 7 से कट रहा है क्या 7 4 टाइम 28, 4 बार 28, 5 बचे 50, 7 7 49 1 2 बचा 2 बार 7 5 35 कट गया। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 4725 को 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, और 100 से डिवाइड कर देंगे, 10 के 0 असल का 1 4 और 1 5, 14 के 4 असल का 1 8 और 1 9 मल्टीप्लाई बाय 0549 ये आ जाएगा। जैसे इसको डिवाइड करेंगे 10 39.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये किसका एरिया आ जाएगा हमारे रेड वाले का, ठीक है। मैं अब देखना इस बीच वाले पार्ट को रफ कर रहा हूँ, तो आप देखना ये लिख लिया होगा आपने सबने, जब तक समझ लेना, ठीक है। नेक्स्ट हमें सबकी वैल्यू चाहिए होगी, वैसे तो मैं यहीं से निकाल लूंगा, ब्लू के लिए निकाल लें, ब्लू
वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसमें, पाई आर थ्री स्क्वायर माइनस पाई आर टू का स्क्वायर, क्योंकि हमें ब्लू का चाहिए ना तो इसका माइनस कर देंगे, ओवरऑल ब्लू का आ जाएगा। तो देखना यहाँ से भी कॉमन आ रहा है पाई, पाई कॉमन ले लेता हूँ, आर थ्री की वैल्यू देखना 10.10.10 कितना हुआ 31.5 का स्क्वायर, फिर उसके बाद में भाई 21 में हमने 21 में 10.5 को ऐड किया तो 513 आया हमारा, माइनस के आर टू की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 21 का स्क्वायर पाई, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पर निकाल लेता हूँ मैं, देखना इजीली 21.2 डिजिट पर लगा देंगे, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट 315 का निकाल रहा हूँ, 315 को 525 57 15 मल्टीप्लाई बाय 513 15 14 9 5 12 1 12 का 2 कैरी फर्स्ट 8 9 9 कितना आएगा 9 9 2 2 5 माइनस के 4 4 1 पॉइंट टू डिजिट पर लग जाएगा क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है। देखना इसमें से किसको माइनस करना है 441 को 52.155 22/7 रख देता हूँ पाई की वैल्यू 551.25 क्या ये इसको रफ कर रहा हूँ अभी किससे कट रहा है 5 से कट रहा है क्या देखे कट करके देख लेते हैं 21 मल्टीप्लाई बाय भाई 0.2 डिजिट पर लग रहा है ना 0.2 डिजिट पर मैं यहाँ लगा देता हूँ पॉइंट 100 लगा देता हूँ ठीक है। जैसे कितनी बार जाएगा 7 7 49 8 7 56 हो जाएगा 7 7 49 6 बचेगा 61 61 होने पर कितना बच कितना आएगा 8 7 56 56 5 बचेगा 5 इसके 7 7 49 5 7 35 इतने टाइम कटेगा 100 की वजह से पॉइंट लग जाएगा यहाँ। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 अंक पर पॉइंट लगा देंगे तो 7 8 7 8 7 5 को 2 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 के 0 असल के 14 एक 15 के 5 असल का एक 16 एक 17 के 7 असल का एक 7 7 15 तो 15 7 अभी तो 2 से और करना है ना तो 0 5 7 5 1 तो 0 5 12 का 1 कैरी फर्स्ट 13 का 1 कैरी फर्स्ट 7 1 1 7 3 2.50 राइट 0.2 डिजिट पर लगा दिया हमने। ये हमारा किसका आएगा क्षेत्रफल किसका आ जाएगा ये हमारे ब्लू का, तो क्षेत्रफल है ना यूनिट क्या आ जाएगी स्क्वायर, यूनिट क्या आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट किसका निकालना है हमारा, हमें किसका निकालना है ब्लैक का, तो ब्लैक वृत्त का क्षेत्रफल काफ़ी इजी है, बस थोड़ी क्या कैलकुलेशन की वजह से थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। देखना इसका क्या हो जाएगा पाई आर फोर का और पाई आर क्यूब के को जब माइनस कर देंगे तो इसका आ जाएगा, इतना सारा माइनस कर देंगे तो इसका पट्टी का बच जाएगा क्षेत्रफल। तो देखना पाई कॉमन आ गया, आर फोर का मान कितना है हमारे पास में 42 माइनस के 31.5 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर निकाल लेते हैं या साइड में रख रहा हूँ मैं इसको रफ पहली पार्ट को रफ कर रहा हूँ 42 मल्टीप्लाई बाय 42 4 8 मल्टीप्लाई बाय 8 16 4 16 का 171 कितना होता है 1764 माइनस के इसका हमने निकाला था 992.25 ये हमने ऊपर निकाल रखा है इसका स्क्वायर माइनस कर दो इसमें से, जब इसको माइनस करेंगे तो मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ 1764 जब माइनस करेंगे 992.25 में से 0.00 लगा दो 75 बचेगा यहाँ पे 75.1 16 में से 9 गए 7 16 में से 9 गए 7 कितना बच जाएगा हमारा 22/7 मल्टीप्लाई बाय 771.75 0.2 डिजिट पर है तो कट करने के बाद में भी 2 डिजिट पर लगा देंगे तो 7 से जब कट करते हैं वन टाइम फिर इसमें जाएगा जीरो में नहीं जाएगा कितने बार जाएगा 2 टाइम जाएगा ना कितने बार जाएगा 2 टाइम जाएगा 14 में जाएगा फिर 15 में 35 में कितने बार चल जाएगा 0.2 डिजिट पर था तो 2 डिजिट पर लगा देते हैं 22 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 110.25 से कर लेते हैं इसको भी यहीं कर लेता हूँ मैं रफ देखना साइड में रफ कर रहा हूँ किसको कर रहे हैं हम 110.25 को तो यहाँ 0.2 डिजिट पर लगा देंगे हम लास्ट में 2 पॉइंट पर डिजिट लगा देंगे हम ठीक है 10 का 0 असल का 1 से करेंगे 25022 मल्टीप्लाई बाय 05022 05542 कितना आ जाएगा
24, 25.50 आ जाएगा क्योंकि टू डिजिट पर पॉइंट लग जाएगा क्योंकि यहाँ टू डिजिट पर पॉइंट था। ठीक है, अब देखना हमने किसका निकाला, सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होगी। देखना आप किसका निकाला, वाइट का निकालना है तो इसको रफ कर लेते हैं। तो वाइट का इसको यहाँ लाइन खींच देते हैं, तो वाइट व्रत का क्षेत्रफल, वाइट व्रत का क्या आ जाएगा, पाई आर 5 का स्क्वायर माइनस के पाई आर 4 का स्क्वायर। अब देखना इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है हमारा, इसको इधर से बंद कर देते हैं। देखना आर 5 का स्क्वायर माइनस के आर 4 का स्क्वायर, राइट, तो 22/7 इसकी वैल्यू रख देता हूँ। आर 5 का 52.5 का स्क्वायर माइनस के 42 का स्क्वायर, देखना 22.7 इसका स्क्वायर निकाल लेंगे, 42 का हमने अभी निकाला कितना 1764, इसका निकाल लेते हैं, यहीं पर रफ कर लेता हूँ मैं साइड में। तो देखना कितना आ जाएगा हमारे पास, देख लेना आप, 52.5 है ना, तो दो डिजिट पर लगा देंगे, स्क्वायर करेंगे तो 525 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 25 के 5 असल के 2, 10 12 का 2 असल का 1, 25 और 1 26 मल्टीप्लाई बाय 10 का 0 असल का 1, 5 और 10 मल्टीप्लाई बाय 5262, 52 10 11 का 1, 16 का 6, कैरी फर्स्ट 572, तो कितना आ जाएगा 2756.25। ये माइनस यहाँ कर रहा हूँ, इसमें से माइनस भी करना है तो माइनस भी हम इजीली कर लेते हैं। देखना 25 प्लस का है तो 25 तो आना ही है, 25 राइट, 6 में से 4 गए 2, 5 में से 7 यानी 15 यानी 8, 15 में से 7 गए तो भाई यहाँ से किया हमने, 15 में से 6 गए तो 9 राइट, 7 16 में से 7 गए, 16 में से 7 जाएंगे तो हमारे कितने बच जाएंगे, 16 में से 7 जाएंगे 9, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सोल्व करने पर ये आया, अब हमारे पास कितना है 22/7 है, 7 से कट जाएगा कितने बार, वन टाइम 2 बचेगा कितने बार जाएगा, 4 टाइम, 28 सातों को 28 फिर 1 बचेगा 1 टाइम, 5 बचेगा 9 टाइम, फिर कितना बचेगा 5 पॉइंट, कितने डिजिटल पॉइंट है 5 मल्टीप्लाई बाय 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखना इस वाले पार्ट को ही रफ कर लेता हूँ मैं, ये हमने निकाल लिया, तो देखना आप इजी इसको रफ करके 25, अब इसको 22 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 141.75 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1.75 22 से 10 1 14 15 का 1 हासिल का 1 2 3 8 1 मल्टीप्लाई बाय 05381 0581 कैरी 1 2 10 ही होगा 0 भाई 2 टाइम करेंगे तो 2 तो आएगा ना यहाँ पर और 2 तो 10 का 1 11 का 1 कैरी 1 यानी 3 तो कितना आ जाएगा 31.18.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम रफ कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। काफी इजीली आपको ये समझ में आया होगा, हमने पहले क्या करा, सबसे पहले हमने जितने भी दिए हुए थे उनके क्या कर लिए, क्षेत्रफल निकाल लिए, और जो बाद वाला था उसमें पहले वाले का माइनस कर दिया और इजीली हमने इसका निकाल लिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ था, तो देखना किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, जैसे देखना क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रत्येक पहिए का व्यास कितना है 80 सेंटीमीटर राइट। उसके बाद यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, यह कार कितनी 66 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, यदि मैं इसको भाई देखना हमें सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड कितने सेंटीमीटर पर मिनट में चेंज कर रहा हूँ मैं इसको, तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए तो इसको 100 किलोमीटर हटाएंगे तो कितना आएगा 1000, लेकिन मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100, तो मीटर पर सेंटीमीटर पर मिनट, मिनट में चेंज करने के लिए 60 से भाग कर दो राइट। देखना जीरो से ये जीरो चल गया, 6 से 11 टाइम कितना बच गया 1100
जीरो और जीरो कितना आ गया 1,10,000। ठीक है, क्या हो जाएगा ये सेंटीमीटर पर मिनट, मिनट में आ गया। नेक्स्ट देखना आगे पढ़ते हैं, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाएगा देखना। हमने क्या निकाल लिया भाई, हमें पता था इतना, ये इतने सेंटीमीटर में ये चलता है। 10 मिनट के लिए पूछा है, कितने मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, तो 10 मिनट एक मिनट का इतना है, एक मिनट का इतना कन्वर्ट कर रहा है, तो 10 मिनट में और एक जीरो लगा देंगे, राइट। फिर उसके बाद में लास्ट में दिया हुआ है प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है, तो मानता हूं मैं, माना पहिया एन चक्कर लगाता है, तो समझना जब पहिया चक्कर लगा रहा हो, जैसे मैंने कहा एन चक्कर लगा रहा है, ठीक है, ये पहिया जब चक्कर लगा रहा है कितना चल रहा है, इतना चल रहा है 110,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितने मिनट के लिए, एक मिनट के लिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 मिनट के लिए दिया, तो मैं यहाँ 10 मिनट का निकाल लेता हूँ, तो 10 मिनट के लिए कितना हो जाएगा, 10 × 110,000 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 11 कितनी 50 हो जाएगी, 111850 होगी, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 11 लाख, ठीक है, 11 लाख सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है, इतने डिस्टेंस ये कवर करेगा 10 मिनट में। तो हमें देखना पहिए एन चक्कर लगाता है, तो देखना 10 मिनट में पहिए द्वारा तय की गई दूरी बट्टे, देखना आप कैसे लिख रहा हूं, ये वृत्त क्या है, ये क्या है, परिधि है, ये भी तो रोटेट करेगी, ये भी तो रोटेट करेगी, मतलब इतना तो आगे जाना ही है वो एक रोटेट में, तो वो परिधि भी रोटेट करेगी, डिवाइड में पहिए की परिधि, जो पहिया कैसा है व्रत, तो व्रत की परिधि होगा, आ गया इजीली। तो देखना 10 मिनट में कितना चल रहा है, 115×0 10 लाख सेंटीमीटर, पहिए की दूरी कितनी है, पहिए की परिधि 2πr। अब ये तो व्यास दे रखा है, इसकी त्रिज्या निकालूं मैं, देखना इसको जूम कर रहा हूँ, 80 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास यानी d दे रखा है 80 सेंटीमीटर, तो r कितना हो जाएगा 80/2 = 40 सेंटीमीटर, तो वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी 110,000 × 2×22/7 मल्टीप्लाई बाय r की वैल्यू 40। देखना 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 7 कहाँ चला जाएगा हमारा ऊपर, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 110,000 डिवाइड बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 40, 10 से 10 कैंसिल हो गया, और कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है, कट कर देते हैं 2 से ये, 5 टाइम 000, ठीक है, फिर उसके बाद में कुछ कट रहा है 4 से, और 4 से कट रहा है क्या, 2 से 11 टाइम, 2 से 2 टाइम, 7 टाइम, 5 टाइम, 00, ठीक है, फिर 2 से कट रहा है 2 टाइम, 2 से 1 टाइम, 3 टाइम, 7 टाइम, 5 टाइम और 0, ठीक है, डिवाइड में अभी क्या बच रहा है 22, तो 7 को मल्टीप्लाई करो 13750 से और 22 का भाग कर देंगे, राइट, 22 से जैसे भाग करेंगे वापस वही चीज़ आ जाएगी हमारी, वही आंसर आ जाएगा हमारा, देखना 35 के 5 असल के 3, 7 × 49 और 3 52 के 2 असल के 5, 7 × 21 5 और 26 के 6 असल के 2, 7 × 2 9 डिवाइड बाय 22 से जब इसको भाग करेंगे, ये पहले कहीं से 2 से कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है 2 से, ये 11 टाइम अभी भी कट रहा है 11 टाइम, और ये 2 से कितने बार कटेगा, 4 बार, 8 बार, 1 बार, 2 बार, 5 बार, 11 से भाग करो 4 बार जाएगा, फिर उसके बाद में 4 बचेगा 33 बार जाएगा, कितना बचेगा आप 33 भाई, यहाँ से 4 बचे, 4 इधर के 41, 33 बार गया 8 बचा, 8 से इसके बाद 82 में 7 टाइम, 82 में 7 टाइम 5 बचेगा, फिर 5 टाइम सेंटीमीटर, ये कितने राउंड हो जाएंगे, कितने चक्कर लगाएंगे वो 4375 चक्कर, राइट, ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा काफी इजी क्वेश्चन था ये, जो कि हमारे एक्सरसाइज का कैसा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इजीली आपको ये समझ में आ रहा होगा।
क्वेश्चन नंबर 5, ये काफी इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए तथा उनके उत्तर का औचित्य दीजिए। यदि एक चक्कर का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, क्षेत्रफल और उसका परिमाप आपस में क्या बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखना, क्षेत्रफल और उसका परिमाप बराबर है, जैसे मान लो मैं कोई वृत्त है दिया हुआ है, वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो क्षेत्रफल किसका, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर परिमाप किसका, वृत्त का, संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो देखना क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2πr, आर से एक पावर, क्योंकि त्रिज्या भी उनकी बराबर होगी, जब तो आर से ये कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, आर जब आर की वैल्यू डायरेक्टली कितनी आ जाएगी, आर बराबर 2 मात्रक, एक नंबर में आने के पूरे पूरे चांसेस है। यहां से देखना आर से एक आर कट गया, क्योंकि त्रिज्याएं उसकी क्या होगी, बराबर होगी, जब ही तो क्षेत्रफल बराबर होंगे परिमाप के, तो उनकी त्रिज्याएं आपस में बराबर कर दी, जब देखा हमने तो आर बराबर कितना गया, 2 मात्रक। काफी इजी ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। इजीली आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीटली समझ में आई होगी। ओके।